हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? को वॉइस क्लियर आ रही होगी? ठीक है, तो आज टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसका आज सेकंड पार्ट है। ओके, तो ये कई सारे एग्जाम्स के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी अपकमिंग आपका एग्जाम इस समय आने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम टॉप 50 क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट करें। फर्स्ट पार्ट सभी ने देख रखा होगा। ओके, नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा इसका फर्स्ट पार्ट। ओके, तो आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ खास बात अनअकैडमी की तरफ से। आई एम फ्रॉम अनअकैडमी, माई नेम इज़ मनु मुदगल। आप मुझे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी देख सकते हैं। ओके, और मुझसे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकते हैं। तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हमारे एक न्यू बैचेस आने वाले हैं, उनको एक बार आप देख लीजिए। और ये हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन है। आप 6 मंथ का, 18 मंथ का, 24 मंथ का कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, MBA मॉक टेस्ट मैराथन भी ले सकते हैं, और ये स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है। ओके, इसको भी आप परचेज कर सकते, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। इसमें भी एनरोल करके स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहला, ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने पार्ट वन में करवा चुका हूँ। ये सारे क्वेश्चन मैं अपने पार्ट वन में करा चुका हूँ, 15 क्वेश्चन। तो आज हम चलेंगे अब हम सेकंड पार्ट के ऊपर, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। 1 से लेके 15 क्वेश्चन तक ऑलरेडी आपके फर्स्ट पार्ट में हो चुके हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। तो पहला क्वेश्चन की शुरुआत करें तो सबसे पहले सभी लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, जिनको अच्छा लग रहा है, वैसे अच्छा सभी को लग रहा होगा, लेकिन लाइक करिए क्योंकि फर्स्ट को भी आपने बहुत अच्छी तरह से प्यार दिया, तो सेकंड को भी देखिए। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं लगातार वीडियोस के बना रहा हूँ मैक्सिमम। ओके, देखिए, व्हेन द प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाय 10%, अ मैन कैन बाय हाफ केजी मोर राइस। अगर कोई प्राइस कम होता है 10%, तो एक आदमी हाफ केजी राइस ज़्यादा लेता है। तो अब मुझे ये बताओ, ये कहानी कुछ इस तरीके से हो गई कि आप शॉप पे कुछ पैसे लेके गए, घर में मम्मी ने 100 रुपए दिए, आप शॉप पे गए। अचानक शॉप पे पहुंचे, शॉप वाले ने बोला कि यार अब तो माल सस्ता हो गया हमारा, आप आराम से लेके जाओ। तो आपके दिमाग में सोचा कि मम्मी ने तो 100 रुपए दिए थे, अब माल सस्ता हो गया, यानी कि कुछ पैसे बचेंगे, वो मेरी जेब में जाएंगे। ठीक, आप वो पैसे लेके गए समोसा खरीदने, लेकिन अचानक आपका जमीर जागा और आपने कहा कि यार समोसे नहीं खरीदेंगे, घर के पैसे हैं, कुछ सामान और ले लेते हैं। तो आपने बोला भाई ये जो पैसे बच रहे हैं इसमें जितने राइस आते होंगे आप वो और दे दो मुझे। यानी कि वो जो 10% आपके पैसे बच रहे हैं उसी में से तो एक्स्ट्रा राइस आएंगे। जो पैसे आपके बचे, जो आप समोसे खाने जा रहे थे, जो बचे हुए पैसे में से खाने जा रहे थे, उसी में से तो राइस आएंगे। तो यानी कि आप घर से देखिए कितने रुपए लेके गए, क्वेश्चन के हिसाब से 180 रुपए। 10% उसमें से कम हो गया, तो इसका 10% आप निकालोगे तो कितना होगा, 18 होगा कि नहीं होगा? 10% 18 होगा। इस 18 रुपीज में ही उसे कितने किलो चावल मिले हैं, हाफ के जी। इस 18 रुपए में ही उसे हाफ के जी मिले, तो बता सकते हो कि 1 केजी कितने रुपीज में मिलेंगे? ऑब्वियसली बात है, 36 रुपीज में मिलेंगे। इस 18 रुपीज में ही तो वो हाफ के जी लाया है, जो एक्स्ट्रा रुपीज बच, जो आपके डिस्काउंट के बाद पैसे बचे, इस 18 में से वो हाफ के जी लाया है, तो 1 केजी कितने रुपए में लाएगा, 36। लेकिन ये जो 36 आया होगा ये आफ्टर डिस्काउंट प्राइस है, ये आफ्टर डिस्काउंट प्राइस है, यानी कि कह सकते हैं कि दिस इज अ रिड्यूस प्राइस। जब 10% कम हो गया है तब का प्राइस है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 90% की वैल्यू है। तो यानी कि 90% की वैल्यू आपकी अगर 36 है, तो ओरिजिनल तो 100% रही होगी, तो वो कितनी होगी, 36/90 × 100, तो ये आपका आ जाएगा 40। ओके, ये आपका कितना आ जाएगा, 40 रुपी। यानी कि पुराना वाला प्राइस जो था वो 40 था, और 36 जो है वो आपका न्यू प्राइस। समझ में आया? हाफ के जी 18 रुपए में, तो 1 केजी 36 रुपीज में, तो ये नया वाला प्राइस है। अब ये तो डिस्काउंट होने के बाद का प्राइस है, यानी कि 10% का डिस्काउंट हो चुका है, यानी कि 90% की वैल्यू अगर 36 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 40 रुपीज।
तो इन्होंने पहले पूछा है रिड्यूस यानी कि 36, बाद में पूछा है ओरिजिनल यानी कि पहले वाला यानी कि 40। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। सबको बात समझ में आ रही होगी, अच्छी तरह आ रही होगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये टॉप क्वेश्चंस हैं, पेपर में आने ही आने हैं, ये समझ लो। और बहुत बढ़िया रिवीजन भी हो रहा है आपका। अच्छा, ये क्वेश्चन भी परसेंटेज वाले चैप्टर से ही है, बहुत बार पूछा गया है, अनगिनत बार। तो पहले सब लोग लाइक जरूर करना है वीडियो को, और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है, ठीक है, कि ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। ठीक, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 17। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, 17 नंबर वाला क्वेश्चन है। चलो, कभी भी पास फेल वाले क्वेश्चन जब आते हैं हमारे सामने, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी पास या फेल वाले क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप पासिंग मार्क्स पे कॉन्सेंट्रेट करोगे। किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है आपको, पासिंग मार्क्स पे। ध्यान से समझना कैसे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। देखो, प्रखर स्कोर्ड 49% मार्क्स इन द एग्जाम। प्रखर ने एक एग्जाम में 49% मार्क्स स्कोर करे, जो कि पासिंग मार्क्स से 7% ज्यादा है। तो मुझे बताओ, पासिंग मार्क्स कितने परसेंट होंगे भाई? 49% उसने स्कोर करे और वो पासिंग मार्क्स से 7% ज्यादा लाया है, तो पासिंग मार्क्स 42% होंगे कि नहीं होंगे? भाई तुम्हारे 49% आए, तुमने घर बताया यार मेरे तो 7% से मैं पास हो गया, मतलब मेरे ज्यादा आ गए, तो पासिंग मार्क्स 40%। माइंड में क्लियर, पासिंग मार्क्स पे कॉन्सेंट्रेट करो। वाइल सुमित गॉट 34% मार्क्स, सुमित ने 34% मार्क्स पाए एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स। सुमित ने 34% मार्क्स पाए, तो सुमित के जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो 34%। तो फिर इसके हिसाब से पासिंग मार्क्स कितने होंगे भाई? इसके हिसाब से पासिंग मार्क्स हो गए 34% तो पाए, लेकिन ये 30 मार्क्स से फेल हो गया, यानी कि इसके 30 मार्क्स कम आए। तो अगर मैं इसके 34% में 30 मार्क्स ऐड कर दूं, तो ये भी पासिंग मार्क्स बन जाएंगे, क्योंकि तो ये 30 मार्क्स से फेल हो गया भाई। ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स, दोनों को इक्वल रख दो, 42% इक्वल टू 34%, 42% इक्वल टू 34% प्लस 30। आप 34 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 8% इक्वल टू 30। तो किसी का 8% अगर 30 है, तो अगर आपको 100%, 100% मतलब क्या होगा, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स यानी कि मैक्सिमम कितने मार्क्स का पेपर है ना, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 30/8 × 100। इसको सॉल्व करेंगे, 25, 15, 375 मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स 375 हो गए। अब इन्होंने बोला है, व्हाट इज द मार्क्स स्कोर बाय अमित इफ ही गेट 50% लेस देन द मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स तो 375 है, इसमें से 50 मार्क्स कम मिले हैं उसको, तो 375 माइनस 50 कर दीजिएगा, यानी कि 325 मार्क्स मिले हैं। किसको किसको मिले हैं? सुमित को मिले हैं। सुमित को है ना, अमित, सॉरी, तो किसको मिले हैं ये मार्क्स, अमित। सबको समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और दोस्तों में जरूर शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फर्स्ट पार्ट भी आपको देखना है गाइस, इस क्वेश्चन, इस सीरीज का हमने फर्स्ट पार्ट ही बनाया है, उसमें 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन थे, 15 तक, 15 के बाद से इस सीरीज में शुरू हो रहे हैं, तो सभी को फर्स्ट पार्ट भी देखना है जिसने ना देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल सेम टू सेम है, कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है, पासिंग मार्क्स के ऊपर। जल्दी से पासिंग मार्क्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए, फास्ट, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से ट्राई करिए, 1 मिनट का सभी के पास समय है, जल्दी ट्राई करें। किसी का लैग कर सकता है तो प्लीज आगे फॉरवर्ड पे बटन कर लीजिएगा, ताकि आप और हम एक बराबर उसमें हो। और अगर कोई वीडियो बाद में देख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर आज का
कल के 15 से आगे बढ़ रहे हैं, पार्ट टू चल रहा है, 18 नंबर का क्वेश्चन है। विनीत स्कोर 46% मार्क्स इन एन एग्जाम विच इज 8% मोर देन द पासिंग मार्क्स। ठीक, अब ध्यान से समझो, 46% मार्क्स आए हैं जो कि पासिंग मार्क्स से 8% ज्यादा हैं, तो पासिंग मार्क्स कितने होंगे? पासिंग मार्क्स कितने होंगे? 46 में से 8 हटा दो, कितने होंगे? 38%। जल्दी बताइए, पासिंग मार्क्स 38% होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो कितने हो जाएंगे बेटा? 38%। ओके, अब निकालना है, सुमित गॉट 54% मार्क्स एंड पास्ड बाय 40 मार्क्स। सुमित ने 54% मार्क्स मिले हैं और वो कितने से पास हुआ है? 40 मार्क्स से। तो 40 मार्क्स उसके ज्यादा आ गए ना, तो पहले 40 मार्क्स उसके कम कर दो। 54% आए हैं सुमित के, तो सुमित के अकॉर्डिंग अगर हम पासिंग मार्क्स की तरफ जाएंगे, सुमित के लाइन वाली साइड से अगर हम पासिंग मार्क्स की तरफ जाएंगे, तो सुमित के 54% मार्क्स आए हैं, उसमें से 40 मार्क्स से वो पास हुआ है, तो उसके 54% में से आप 40 मार्क्स कम कर दो, तो ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स होगा, दोनों को इक्वल लगभग। तो 54% माइनस 40 इक्वल टू 38%, इधर रख दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 16% इक्वल टू 40। तो आपको 100% यानी कि टोटल की वैल्यू आप बता सकते हैं, 40 अपॉन 16 इंटू 100, 4 से कट कर दीजिए, तो आपके जो टोटल मार्क्स आएंगे वो आएंगे 250। लेकिन लेकिन नितिन ने 20 मार्क्स कम पाए हैं, कितने? मैक्सिमम मार्क्स। तो नितिन के जो मार्क्स होंगे वो तो इसमें से आप 250 में से आप 20 कम कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा 230 मार्क्स। तो नितिन को मैक्सिमम मार्क्स से 20 कम मिले हैं, तो उसके कितने हो जाएंगे? 30 मार्क्स। जल्दी बताइए, क्या सभी को समझ में आया? आई होप एक एक बच्चे को अच्छी तरह समझ में आ रहा है, तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है? और बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि सबको इस चीज का फायदा मिले। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से देख लीजिए एक बार। अ फ्रेश चेरी कंटेन्स 99% वाटर, सपोज यू हैव, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये 18 था पिछला वाला, तो ये 19 नंबर वाला क्वेश्चन। ओके, फ्रेश चेरी कंटेन्स 90% वाटर, सपोज यू हैव 3 kg फ्रेश चेरी, सपोज यू हैव 3 kg फ्रेश चेरी, आफ्टर फ्यू आवर्स सम वाटर इवेपोरेट, परसेंटेज ऑफ वाटर इन चेरी बिकम्स 98% कर लीजिएगा। इसको आप क्या करेंगे बेटा? 98%। ओके, इसको आप 98% कर दीजिएगा। अब ध्यान से देखो, एक फ्रेश चेरी थी, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आप फ्रेश रखिएगा, ये आपकी फ्रेश चेरी है और ये आपकी ड्राई चेरी। अच्छा, कुछ ऐसी कहानी है, समझो, मान लो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, आप जैसे कोई फ्रूट्स घर में लाते हो, ठीक, तो बिल्कुल फ्रेश, लाल लाल या हरा हरा जैसा भी होगा, बढ़िया सा होता है, कुछ दिन बाद अगर आप उसे ना खाएं, घर पे रख दें, तो वो कुछ सिकुड़ सा जाता है, ठीक है ना, और पिलपिला हो जाए या कुछ, ठीक है, सिकुड़ सा आता है, यानी कि थोड़ा दुबला सा हो जाएगा आप उसे देखेंगे, तो इसका मतलब क्या है? उसका अंदर का जो वाटर है ना वो उड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा वो अजीब सा हो गया है, इसका वेट भी कम हो जाएगा। तो उसके अंदर जो पल्प है यानी कि गूदा जो है वो तो दोनों ही केस में इक्वल है, जब फ्रेश लाओगे चाहे वो थोड़ी नहीं इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, दोनों केस में वो इक्वल। तो हमारा यही मकसद रहेगा कि हम पल्प पे कॉन्सेंट्रेट करें। तो देखिए, फ्रेश वाटर में, फ्रेश फ्रूट में दो चीजें होंगी, एक तो वाटर होगा मेरा और दूसरा होगा पल्प। वाटर कितने परसेंट है? 99% है, तो पल्प 1% होगा, ठीक। कुछ घंटों बाद वाटर रह गया 98%, तो पल्प होगा 2%। दोनों ही केस में पल्प इक्वल हुआ, तो 1% ऑफ फ्रेश, 1% ऑफ फ्रेश इक्वल टू 2% ऑफ ड्राई,
1% ऑफ फ्रेश इक्वल टू 2% ऑफ ड्राई। तो फ्रेश कितने केजी है? 3 केजी। तो 1% ऑफ 3 केजी इक्वल टू 2% ऑफ ड्राई, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, परसेंट से परसेंटेज काटिए, 1 × 3 हो जाएगा ये, और ये अपॉन में 2 आ जाएगा, तो ड्राई की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो ड्राई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 1.5 kg। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा? 1.5। मतलब जो ड्राई है उसका वेट बताना है, तो उसका वेट कितना होगा? 1.5 kg। सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल अच्छी तरह आ रहा होगा। लाइक ज़रूर करना है, ठीक है, वीडियो को, ये बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, ज़्यादा मैं चैट समझ में नहीं पा रहा हूँ इसलिए। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर ये आपका आया 20, 20 नंबर। अ नंबर इज मिस्टेकनली मल्टीप्लाइड बाय 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3। आपको 3/4 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन आपने धोखे से किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 4/3 से। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द रिजल्ट? ओके, ये निकालना। तो देखिए, कुछ खास नहीं, एक नंबर था, ठीक। अब वो नंबर क्या था कि आपने जब 3/4 से करना था और आपने धोखे से किससे कर दिया? 4/3। इससे तो रॉन्ग आया होगा और इससे आया होगा राइट, ठीक। तो अब हम वो नंबर क्या एज्यूम करें? जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए तो आप नंबर हमेशा ऐसा एज्यूम करो जो कि इनके डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाए, यानी कि इनके एलसीएम जैसा। तो इनका एलसीएम कितना होगा? 4 और 3 का 12। तो आप लेट कर लो वो नंबर, लेट नंबर इज 12। अब वो नंबर 12 लेट करो। अब 12 को अगर हम 3/4 से मल्टीप्लाई करते तो मेरा आंसर आता 9, लेकिन हमने उसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 4/3 से। तब मेरा आंसर आ गया 16, यानी कि एरर कितने की आई? 7 की। एरर कितने की आई है भाई? 7 की एरर आई है कि नहीं आई है? जल्दी से देख लीजिए पहले, तो कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो जल्दी पूछिए। भाई 3/4 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन हमने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया है? हमने उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया है? 4/3 से कर दिया। अच्छा, उल्टा लिख दिया मैंने। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, हमें 4/3 से करना था। ये राइट है और ये रॉन्ग है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये राइट है, ये रॉन्ग, मतलब करना इससे था लेकिन कर्व 3/4 से दिया, ठीक है। चलो मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई दिक्कत लग रही है तो। चलो दोबारा सुन, मल्टीप्लाइड बाय 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3, मतलब 4/3 से करना था मल्टीप्लाई। तो अगर 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आएगा राइट, और अगर 3/4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आएगा रॉन्ग। तो हमने वो नंबर लेट कर लिया। नंबर लेट करने के लिए आपसे कहा था नीचे का जो डिनोमिनेटर होगा उसका एलसीएम ले लो। तो इनका एलसीएम कितना आएगा बेटा? 12। तो 12 को अगर 4/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 16। तो आना चाहिए था 16, लेकिन हमने गलती से उसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 12, देख लीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो एरर आ गई वो 4 की आ गई। जो आपकी एरर आई है वो कितने की आई है? 4 की एरर आई है। और अगर एरर आपकी 4 की आ रही है, अब एरर आपकी कितनी आ रही है? 4 की आ रही है, चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 16 नहीं, 12 से मल्टीप्लाई होगा और ये आपका आ जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, नहीं, तो ये जो एरर आपकी आ जाएगी वो 7 की आ जाएगी,
अभी जो 7 एरर है वो 16 के रिस्पेक्ट में आप निकालोगे तो 7 अपॉन 16 × 100 यानी कि 700 अपॉन 16 आंसर कितना आएगा 43.75। ओके मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया लेकिन करना था 4/3 से, तो नंबर सोच लिया 12, मल्टीप्लाई करोगे 16, मल्टीप्लाई करोगे 9। ओके अब आना चाहिए था आपका आंसर 16, आ गया 9, डिफरेंस कितने का है 7 का, तो 7 अपॉन 16। हमेशा एरर जो है वो ओरिजिनल यानी कि राइट वैल्यू से निकाली जाती है, ध्यान रखना रॉन्ग वैल्यू से नहीं निकाली जाती। 7 अपॉन 16 × 100 43.7%। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था मैंने लिखना भूल गया, क्वेश्चन नंबर 20। फिर से बता दूं वीडियो को लाइक जरूर करना है, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है और पिछला वीडियो भी देखना है, 1 से 1 to 15 क्वेश्चन जो मैंने पहले कराए हैं फर्स्ट पार्ट में उसको भी देखने हैं। ये सेकंड पार्ट चल रहा है, यहाँ 16 से आगे चलने में शुरू। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए अच्छी तरीके से और मुझे बताइए। पक्का वीडियो को लाइक करिए, इतने लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो लाइक नहीं कर रहे हो ये चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाया जा रहा है आपकी एग्जाम के लिए और आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है, आपसे सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक शेयर करिए, तो प्लीज़ गाइस ये तो आपका इतना बनता है, ठीक है, और इतना अप्रिसिएशन तो हमें बनता है हमारा भी कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तो आपके लिए आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी हमारे लिए समथिंग, ठीक है। चलिए द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन डिक्रीज बाय इतनी, तो देखो यह लाइन से डिक्रीमेंट हो रहा है, तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो जब ऐसा हो कि एक चीज पे डिक्रीज हो रही है फिर अगली फिर आगे डिक्रीज हो रही है फिर अगले साल फिर डिक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन वाले केस में डिक्री डिक्री डिक्रीज, तो पहले आप इन सबकी परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख लो। 18 2/11% ये डिक्रीज हो रहा है यानी कि कम हो रहा है, तो ये कितने परसेंट आएगी कोई बताएगा? ये आपका होता है 2/11। ओके इसका फ्रैक्शन अभी बताएंगे, डिक्रीज हो रही है तो आगे कितना है 28 4/7। जिसको परसेंटेज याद ना हो तो प्लीज परसेंटेज एक बार कहीं से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका होता है 2/7 और अगला है 22 2/9%, ठीक। ये कितना होगा 22 2/9%। इसका मतलब होता है 1/9, सॉरी 2/9। एक बार देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो पूछ लीजिए, तो ये आपको क्लियर है। अच्छा ये वाला डिक्रीज था लेकिन ये वाला इंक्रीज था, फिर से डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब है ऊपर वाला डिक्रीज, ऊपर वाला इंक्रीज है, ऊपर वाला डिक्रीज मतलब जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो डिक्रीज होगी। तो ये वैल्यू कितनी हो रही है 11 से 9, 2 का डिक्रीमेंट हो रहा है। ये वाली वैल्यू कितनी हो रही है, इसका इंक्रीमेंट हो रहा है यानी कि 7 से 9 हो रही है यानी कि प्लस, ये माइनस, तो और ये 9 से कितनी हो रही है 7, तो कुल मिला के आपके पास आया 11 9 7 9 और 9 7। एक बार देख लीजिए कोई दिक्कत हो कोई कंफ्यूजन हो किसी तरीके का। ठीक है अब आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस में कट कर सकते हैं, 7 से 7 गया 13 से 13 गया, तो आपकी जो रेशियो आ जाएगा पॉपुलेशन यानी कि ओल्ड पॉपुलेशन और न्यू पॉपुलेशन। अच्छा कट आप क्रॉस में कर सकते हो, क्रॉस में आप चीजों को काट कर सकते हो, ये ट्रिक समझ में आ रही सभी को? ये तब है जब आप लगातार किसी चीज को बढ़ाते जा रहे हो या बीच बीच में उसको माइनस कर रहे हो, मतलब एक साल बाद बढ़ाई फिर घट रही है फिर बढ़ रही है वैल्यू, ठीक। तो ये ओल्ड हो गई ये न्यू हो गई, तो क्या बोला 3 years before, तो यानी कि 3 साल पहले जो पॉपुलेशन है ये 22 लाख है, तो 11 की वैल्यू कितनी है 22 लाख, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 11 की वैल्यू 22 तो 1 की 2, तो 9 की कितनी हो जाएगी 18 लाख आंसर। न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 18, समझ में आ रहा है? ये ट्रिक अच्छी तरह सीख लीजिएगा, पहले ऐसे लिख लीजिए
फिर क्रॉस में जो कट रहे हैं उन्हें काट दीजिए, फिर जो बचे उन्हें मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा। ये सब वन वन हो जाएंगे, इसलिए मल्टीप्लाई करोगे तो 11 और ये 9। बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, डिवीजन अच्छी तरह से आपका हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो लाइक जरूर करना इस ट्रिक के लिए, और इस ट्रिक को वीडियो को दोबारा फिर देखना ना समझ में आए तो जरूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आने के बहुत चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो गया ये 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सम ऑफ मनी बिकम्स ट्रिपल ऑफ इट सेल्फ इन 18 ईयर्स। एक मनी जो है अपने का ट्रिपल हो जाता है 18 साल। मान लेते मनी हमारा 1 था, वो ट्रिपल हो गया यानी कि 3 हो गया, कितने साल में? 18 साल। तो उसमें इंक्रीमेंट 2 का आया ना, जल्दी बताइए, उस पे जो इंटरेस्ट मिला या उसमें इंक्रीमेंट आया वो 2 का आया। ये 2 क्या है? ये इंटरेस्ट है। ये 2 इंटरेस्ट उसको कितने साल में मिला? ये 2 इंटरेस्ट उसे कितने साल में मिला? 18 साल। अब बताना है कि कितने साल में वो अमाउंट 5 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 1 का 5, 1 का 5 करना। तो उसका जो इंटरेस्ट होगा, इसे आप इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक। तो वो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 4। अगर 2 इंटरेस्ट आपको 18 साल में मिलता है तो 4 इंटरेस्ट, मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है, ये डबल हो रहा है तो टाइम भी डबल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 36 ईयर्स। क्या कोई दिक्कत? अगर 2 इंटरेस्ट आपको 18 साल में मिलता है तो 4 इंटरेस्ट आपको 36 साल में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या इससे आसान ये क्वेश्चन हो सकता है? बिल्कुल, लोग फॉर्मूले लगाएंगे, तरीके लगाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, लेकिन आज से आप ये काम नहीं करोगे। आपको हमारे वाले तरीके से करना है और अच्छी तरीके से करना है। ओके, बताइए, मन में कोई डाउट तो नहीं किसी के? कुछ भी ऐसा क्वेश्चन एक और करना चाहोगे बताओ, एक और करना चाहोगे? चलो सामने है क्वेश्चन आपके, जल्दी करिए। मैं एक मट वाटर पी के आ रहा हूँ, जल्दी से शुरू करिए, आप लोग अपना काम जारी रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ठीक, 23 नंबर वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 9 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 48 ईयर्स। एक सम ऑफ मनी है वो अपने का 9 टाइम्स हो जाता है, यानी कि 9 हो गया, 1 का 9 हो गया, कितने साल में? 48 ईयर्स, ठीक है। तो यानी कि उसको इंटरेस्ट कितने का मिला? 8 का। तो बताना है कि वो अपने का 4 टाइम्स कितने टाइम में होगा, यानी कि उसको 1 का 4 बनाना है। तो यानी कि इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए उसको? 3। तो यानी कि 8 इंटरेस्ट अगर उसको 48 ईयर्स में मिलता है, अगर 8, सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया मैं, 8 इंटरेस्ट अगर उसको 48 ईयर्स में मिलता है, ओके, तो 3 इंटरेस्ट उतने कितने साल में मिलेगा? 48/8 × 3, आंसर इज 18 ईयर्स। ओके गाइस, डन, समझ में आ गया? डन है सभी को? कितना हो गया? 18 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। अभी भी किसी के मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो बोलो।
नेक्स्ट जल्दी से क्वेश्चन ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/16 ऑफ द प्रिंसिपल नंबर ऑफ इयर्स इज इक्वल टू द रेट। अब एक बार ध्यान से सुनो, जैसे पिछले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 9 टाइम्स। 9 टाइम्स का मतलब क्या है कि ये अमाउंट है, ये अमाउंट बता रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि वो ये कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 1/16 हो जा रहा है, तो जब भी इंटरेस्ट की बारी आ रही है, अगर अमाउंट की बारी आ रही है तो डायरेक्ट आप इस तरीके से करिए कि वो सीधे सीधे इतने टाइम्स हो रहा है। लेकिन अब वो ये नहीं कह रहा है कितने टाइम्स हो रहा है, वो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट इतने टाइम। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट गिवेन है, ठीक है ना, अगर सिंपल इंटरेस्ट को लेके अगर बात की जा रही कितने टाइम्स हो रहा है, अगर सिंपल इंटरेस्ट को लेके बात हो रही है कि कितने टाइम्स हो रहा, तो उस केस में आप फॉर्मूला लगाइए आर इंटू टी। ओके, इक्वल टू पी इंटू एन माइनस। चेक करिए एक बार जल्दी से, कोई डाउट कोई कंफ्यूज है। ओके, या आप एन माइनस वन नहीं करना चाहते तो एन माइनस वन हटाइए, सिर्फ एन रहेगी, ठीक है। एन माइनस वन नहीं रहेंगे तो एन नाइन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है गाइस, हाँ भाई सबको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपके जो रेट और जो टाइम है वो इक्वल बोला गया, नंबर ऑफ इयर्स एंड रेट आर इक्वल। तो आपके आर की मैं टी की जगह भी आर लिख सकता हूँ। अच्छा, एक बात याद रखनी कि इस फॉर्मूले में आपको पी को हमेशा 100 लेके चलना है। पी को आपको किस पे लेके चलना है, हमेशा 100। तो 100 इंटू एन कितना होगा, ये जितने टाइम्स है, टाइम मतलब 1/16, ठीक। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 100/16, तो आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी √100/16, यानी कि 10/4, यानी कि 2.5। सबको ट्रिक समझ में आ गई, लेकिन ये तब लगाना जब सिंपल इंटरेस्ट दिया गया हो कि वो इतने टाइम्स हो जा रहा है। जब कभी डायरेक्ट प्रिंसिपल की बात कर रहा है कि वो इतने टाइम्स हो जा रहा है, तो पीछे वाला तरीका जो पिछले क्वेश्चन ने बताया, जब सिंपल इंटरेस्ट इतने टाइम हो रहा है तो इस तरीके से। बिल्कुल क्लियर है ना, प्रिंसिपल को 100 ले ना, आर और टी इक्वल दिए गए, कोई बात नहीं। नहीं समझ में आ रहा, एक क्वेश्चन अगला करिए, बिल्कुल समझ में आएगा। एस आई ऑन अ सम ऑफ मनी ऑफ अ सर्टेन रेट एस आई इज 25/16 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फॉर्मूला हुआ आर इंटू टी इक्वल टू 100 एन,
हमें पी की जगह पे 100 रखना है ना, तो मैंने डायरेक्ट रख दिया, ठीक है, पी की जगह आपको 100 रखना है हमेशा। फिर से बोला गया रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम आर इक्वल, आर इंटू आर, तो 100 इंटू 25/16 कर लीजिए, ठीक, तो ये कितना हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 2500/16, आर की वैल्यू आएगी आपकी 50/4, यानी कि 12.5%। जल्दी देखिए, कोई डाउट हो तो बताइए, क्या ये सबको ट्रिक समझ में आ रही है, जल्दी बताइए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करिए। देखिए अगला क्वेश्चन, ये पिछला क्वेश्चन कौन सा नंबर था, ओहो इस पे नंबर है डाला 24, और ये हो गया आपका 25, एंड दिस इज द 26, ठीक, 26 क्वेश्चन। गीता इन्वेस्ट 4800 टू स्टार्ट अ बिजनेस, ये गीता होगा, गीता ने अपने बिजनेस में 48,000 रुपीज लगाए। 4 मंथ्स के बाद श्रेयान आ गया, श्रवण आया 4 महीने के बाद। अच्छा, अगर मैं पूरे 1 साल की बात करूं तो गीता ने तो पूरे 12 महीने के लिए पैसे लगाए, श्रवण 4 महीने बाद आया, उसने 62,000 लगाए, और उसने 4 महीने बाद आया तो उसने 8 महीने के लिए पैसे लगाए होंगे, यानी कि 8 मंथ्स। उसके बाद दीपिका आई, दीपिका जो है वो श्रवण के भी 2 महीने बाद आई है, श्रेयान के भी 2 महीने बाद आई है, तो दीपिका ने 6 महीने बाद आई, 4 महीने बाद तो श्रेयान, उसके भी 2 महीने बाद, यानी कि दीपिका को जो अपने पैसे लगाने, यानी कि 80,000 रुपए लगाने हैं, वो 6 महीने के लिए, ओके, ये रेशियो। तो इनको अगर हम कट करें तो पहले रेशियो है ना, तो आपको जितना कैपिटल है उसको टाइम से मल्टीप्लाई जरूर करना है, ठीक। अब इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका बन जाएगा 48 × 6 इज टू 62 × 4 इज टू 80 × 3। अब इस पूरे को आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 × 1 = 4, ये 20 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। अच्छा, अब इस पूरे को आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 = 12, 31, तो आपका जो रेशियो आएगा वो 36:31:30, और यही हमारे प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, 36, 31 और 30, क्लियर। तो करना क्या है, जो भी अमाउंट वो लोग रख रहे हैं उसको टाइम से मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो प्रॉफिट का एक फॉर्मूला बन गया कि जो भी कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हो वो कितने टाइम के लिए करते हो, ये भी इम्पोर्टेंट है, दो चीज़ इम्पोर्टेंट है, कैपिटल इनटू टाइम, उसके बाद आप रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, आई होप। केवल कैपिटल को उनके टाइमिंग से मल्टीप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन उसी तरीके से, फॉर्मूला सिर्फ एक, प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम, ओके। देखिए एबीसी ने अपने मनी इन्वेस्ट किया, ठीक, किस रेशियो में, 3:2:3, द रेशियो बिटवीन देयर टाइम इन्वेस्टमेंट। अच्छा बताओ, ये तो कैपिटल का रेशियो है, और
और ये इनके टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो क्या है, 2:3:1। ओके, तो इनके प्रॉफिट का रेशियो बता। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, कैपिटल इंटू टाइम। तो आपको अगर प्रॉफिट चाहिए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर, तो 6:6:3, 3 से पूरा डिवाइड कर दो, 2:2:1। तो प्रॉफिट का रेशियो हो गया 2:2:1। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 27। ओके, सबको क्लियर है, पिछले की तरह था, ये तो और भी आसान निकले। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी देखिए। देखिए, अ पर्सन बोरोस 5,000 फॉर 2 ईयर्स एट 4% पर एनम। एक पर्सन ने 5,000 रुपये 2 साल के लिए 4% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट से लिए, और उसने तुरंत ही एक दूसरे बंदे को 6.25% पे दे दिया। मतलब हमसे तो तुमने 4% पे लिया और दूसरे को तुमने 6.2% पे उधार दे दिया। तो उस आदमी को हर साल 2.25% का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 6.25 उसने दूसरे को दिया, 4% का उसने हमसे लिया, ठीक है ना? तो उसे कितने का फायदा हो रहा है? 2.25% का एक्स्ट्रा उसको प्रॉफिट हो रहा है, हो रहा है। ये काम उसने कितने साल किया है? 2 साल किया है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 4.5%, है कि नहीं? अब लोग सोच रहे हैं, सर इतना बड़ा क्वेश्चन इतना छोटा सा कैसे कर दिया? फिर से समझो, तुमने किसी से 5,000 रुपये लेके आए, कितने इंटरेस्ट पे? 4% के इंटरेस्ट पे। मतलब बैंक से ले आए, ऐसे समझ लो, तुम बैंक से लाए 4% के इंटरेस्ट। और मैं तुमसे पैसे मांगने आया, तुमने बोला मैं तुम्हें 6.25% पे दूंगा, तो तुम्हें फायदा नहीं हुआ? तुम बैंक को तो 4% लौटाओगे, मुझसे तुम 6.25 रुपीज ले लोगे, तो तुम्हें तो 2.25 का फायदा होगा। ऐसा तुमने कितने साल किया मेरे साथ? 2 साल किया, तो तुम्हें फायदा कितने का होगा? 2.25 का डबल, यानी कि 4.5% का फायदा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो 4.5% कितने पे? 5,000 का। प्रिंसिपल तो 5,000 है ना, तो 5,000 का 4.5% निकाल दो, 2 0 से 2 0 उड़ा दो। तो आपका आ जाएगा 225 रुपीज, तो उसको 225 रुपए का। तो हिज गेन इन ट्रांजेक्शन इज 225 रुपीज। जल्दी बताइए, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कैसा भी मुसीबत हो जल्दी बताइए। पक्की बात, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ए स्टार्टेड बिजनेस विथ 7.6 लैक्स आफ्टर फ्यू ईयर्स, बी ज्वाइन हिम 5.7 लैक एंड द एंड ऑफ ईयर बी गेट 1/3 ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स बी ज्वाइन। तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, ठीक है? ये बहुत ही आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसका एक पार्ट थर्ड और आएगा। अभी हम पार्ट थर्ड और बना रहे हैं टॉप 50 क्वेश्चंस के लिए, पार्ट थर्ड। उसमें भी 20 क्वेश्चंस और होंगे, 21 क्वेश्चंस उसके अंदर भी होंगे, तो पार्ट थर्ड भी आपको देखना। जितना प्यार से आप ये देख रहे हो, उतने प्यार से आपको वो भी देखना, वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर आप देखोगे तो आप मिस कर दोगे, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आपको मिले, ठीक? ए स्टार्टेड बिजनेस विद 7.6 लैक्स, ठीक है? तो पार्ट थर्ड भी आप सभी को देखना है, और प्लीज गाइस लाइक जरूर करना है वीडियो को सभी को। ए स्टार्टेड बिजनेस विद 7.6 लैक्स आफ्टर फ्यू ईयर्स। तो ए ने 7.6 लैक्स इन्वेस्ट किए,
आफ्टर फ्यू मंथ्स बी ने ज्वाइन किया और उसने इन्वेस्ट करे 5.7 लैक्स, लेकिन ये नहीं पता कितने मंथ्स के बाद, तो यहाँ टी लिख लो ठीक। इसने तो 12 महीने के लिए किया ठीक, तो मुझे बताओ इनका जो प्रॉफिट का रेशियो होगा क्या वो यही होगा 7.6 × 12 अपॉन 5.7 × t। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, एट द एंड ऑफ ईयर बी गेट 1/3 ऑफ द प्रॉफिट। बी को 1/3 यानी कि टोटल प्रॉफिट अगर 3 है, 1/3 का मतलब ये हुआ कि ये टोटल हो गया और बी को 1 मिला, तो नीचे हमने बी रखा है ना, तो बी को 1 मिला 3 में से, तो ऑब्वियसली बात है ए को 2 मिला होगा। क्या यहां से आप टी कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, 2 से इसको काट दो 6 टाइम, ये 3 ये 4, तो ये 24 और ये 3 टी, तो टी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8 मंथ्स ठीक है। तो इसका जो आंसर आ गया वो आपका आ गया। समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत? अच्छा, अब इसके बाद इसका पार्ट 3rd भी आएगा, वो भी आप सभी को देखना है ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी जरूर सबको देखना है। प्लीज अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करिए वीडियो को ओके, और उन लोगों को भी ये ट्रिक्स सिखाइए, और आपके तो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है ओके। चलिए, थैंक यू, मैं मनु मुदकल, आप मुझे अन अकेडमी भी मिल सकते हैं ओके। बाय गाइस, थैंक यू सो मच, ओके, गुड डे, बाय।